إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون। मोमिनों की तो ये बात है कि जब अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि वो उनमें फैसला करें तो कहें कि हमने हुक्म सुन लिया और मान लिया, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करेगा और उससे डरेगा और उसका तकवा इख्तियार करेगा, ऐसे ही लोग मुराद को पहुंचने वाले हैं। وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ। اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تم ان کو حکم دو تو سب گھروں سے نکل کھڑے ہوں, कह दो कि कसमें मत खाओ, पसंदीदा फरमाबरदारी दरकार है, बेशक अल्लाह तुम्हारे सब आमाल से खबरदार है। कह दो कि अल्लाह की फरमाबरदारी करो और रसूल के हुक्म पर चलो, अगर मुंह मोड़ोगे तो रसूल पर उस चीज का अदा करना है जो उसके जिम्मे है और तुम पर उस चीज का अदा करना है जो तुम्हारे जिम्मे है, और अगर तुम उनके फरमान पर चलोगे तो सीधा रास्ता पालोगे और रसूल के जिम्मे तो साफ साफ पहुंचा देना है। वादल्लाहु अल्लज़ीन आमनू मिनकुम व अमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज कमा स्तखलफल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ। जो लोग तुम में से ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनसे अल्लाह का वादा है कि उनको मुल्क का हाकिम बना देगा जैसा उनसे पहले लोगों को हाकिम बनाया था, और उनके दीन को जिसे उसने उनके लिए पसंद किया है मुस्तहकम और पायदार करेगा, और खौफ के बाद उनको अमन बख्शेगा। वो मेरी इबादत करेंगे और मेरे साथ किसी चीज को शरीक ना बनाएंगे, और जो उसके बाद कुफ्र करेगा तो ऐसे ही लोग बद के दार हैं। وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ। और नमाज पढ़ते रहो और जकात देते रहो और पैगंबर के फरमान पर चलते रहो ताकि तुम पर रहमत की जाए, और ऐसा ख्याल न करना कि काफिर लोग हमको जमीन में मغلوب कर देंगे, उनका ठिकाना दौजख है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ 3 عَوْرَاتٍ لَكُمْ ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات
वल्लाहु अलीमुन हकीम। मोमिनों, तुम्हारे बांदी गुलाम और जो बच्चे तुम में से बलूग को नहीं पहुंचे, तीन दफा यानी तीन औकात में तुमसे इजाजत लिया करें। एक तो नमाज फजर से पहले और दूसरे गर्मी की दोपहर को जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरे इशा की नमाज के बाद। ये तीन वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं। इनके आगे पीछे यानी दूसरे वक्तों में तुम पर कुछ गुनाह नहीं और ना उन पर कि काम काज के लिए एक दूसरे के पास आते रहते हो। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह बड़ा इल्म वाला है, बड़ा हिकमत वाला है। وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم। और जब तुम्हारे लड़के बालिग हो जाएं तो उनको भी इसी तरह इजाजत लेनी चाहिए जिस तरह उनसे अगले यानी बड़े आदमी इजाजत हासिल करते रहे हैं। इस तरह अल्लाह तुमसे अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह जानने वाला है, हिकमत वाला है। और बड़ी उम्र की औरतें जिनको निकाह की तवक्को नहीं रही और वो जायद कपड़े उतार कर सर नंगा कर लिया करें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि अपनी जीनत की चीजें जाहिर ना करें, और अगर इससे भी बचें तो ये उनके हक में बेहतर है, और अल्लाह सुनता है जानता है। ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المغيظ حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوانكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون। न तो अंधे पर कुछ गुनाह है और न लंगड़े पर और न बीमार पर और न खुद तुम पर कि अपने घरों से खाना खाओ या अपने बाप दादा के घरों से या अपनी माओं के घरों से या भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या उस घर से जिसकी कुंजियां तुम्हारे हाथ में हों या अपने दोस्तों के घरों से, और उसका भी तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि सब मिलकर खाना खाओ या जुदा जुदा। फिर जब घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो, ये अल्लाह की तरफ से मुबारक और पाकीज़ा तोहफा है। इस तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم। मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाए
और जब कभी ऐसे काम के लिए जो जमा होकर करने का हो पैगंबर के पास जमा हो तो उनसे इजाजत लिए बगैर नहीं जाते। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग तुमसे इजाजत हासिल करते हैं वही अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। सो जब ये लोग तुमसे किसी काम के लिए इजाजत मांगा करें तो इनमें से जिसे चाहा करो इजाजत दे दिया करो और इनके लिए अल्लाह से बख्शिश मांगा करो। कुछ शक नहीं कि अल्लाह बख्शने वाला है मेहरबान है। لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لباذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ। मोमिनों, पैगंबर के पुकारने को ऐसा ख्याल ना करना जैसा तुम आपस में एक दूसरे को पुकारते हो। बेशक अल्लाह को वो लोग मालूम हैं जो तुम में से आंख बचाकर खिसक जाते हैं। तो जो लोग उनके हुक्म की मुखालफत करते हैं उनको डरना चाहिए कि ऐसा ना हो कि उन पर कोई आफत पड़ जाए या तकलीफ देने वाला अजाब नाज़िल हो। अला इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि व यौमा युरजऊन इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम। देखो जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है। जिस तरीक पर तुम हो वो उसे जानता है और जिस रोज लोग उसकी तरफ लौटाए जाएंगे तो जो अमल वो करते रहे वो उनको बता देगा और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है।